भैया होंडा क्रेटा लेफ्ट साइड से चढ़ी है डिवाइडर पे, देखो टायर बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, ये देखो नुकसान क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो अलाइनमेंट बिल्कुल पीछे के साइड से बिल्कुल अंदर टायर चला गया। अब मैं राइट साइड भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट तो साइड, ये राइट में देखो बिल्कुल सीधी अलाइनमेंट है। और मैं नीचे से एक बार बता देता हूँ आपको दिक्कत है क्या भाई, राइट साइड में तो मेरे को कोई नज़र नहीं आ रही दिक्कत, ये बिल्कुल चीज़ साफ है सीधी है। और लेफ्ट में देखता हूँ, लेफ्ट में हो ये है जो भी है जमेला, देखो ये टायर भी टच हुआ है। और ये चीज़ देखो बाल ज्वाइंट बोलते हैं इसको, स्टेयरिंग बाल ज्वाइंट कितनी बुरी तरीके से बैंड हो चुका है। अब और देखते हैं खोलने के बाद में क्या क्या कमियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अब इसमें क्या निकलेगी देखते हैं। चलो अच्छा ये चीज़ है देखो, तो ये तो बिल्कुल ही टच हो गया, इसमें काफ़ी गैप होता है, ये हुआ इसलिए कि भाई ये बैंड हो गया है यहाँ से। और इधर भी है, इधर भी है, चलिए इसके लिए तो पूरा सस्पेंशन बाहर ही निकलेगा, तो सस्पेंशन को बाहर निकालते हैं, कंप्लीट गाटरी डाउन करनी पड़ेगी। गाटरी निकालने के लिए स्टीयरिंग का एक ये पार्ट भी खोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर इसको नहीं खोलेंगे तो स्टीयरिंग नीचे नहीं जाएगा तो गाटरी नीचे नहीं आएगी। तो ये पार्ट जो है सामने, ये नट है, ये ऊपर जो है स्टीयरिंग की रॉड है, तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। लो जी गाटरी आ गई बाहर, एक मिनट हटियो, इधर से ये है मेन प्रॉब्लम जो है स्टीयरिंग निकाल दे इसका, बाहर निकाल खोल दे। गाटरी तो बच गई है, बाल जो टेढ़ा हो गया।
देखो भाई ये चीज़ है जो बैंड हुई है, तो ये हमने स्टेयरिंग बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो स्टेयरिंग की जो रोड है इसको बोलते हैं बॉल जॉइंट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। देख रहे हैं ये चीज़ होती है। अब ये इसमें कैसे लगाना है वो मैं आपको और दिखाता हूँ। लो जी हमारा स्टेयरिंग अब हो चुका कंप्लीट। ओके लो जी अब मैं दिखा देता हूँ कि गाटरी हमारी हो चुकी है फिट। ये वो पोर्शन है जहाँ बाल जॉइंट लगा हुआ है।